हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर्स एकेडमी। तो गाइज, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हमारे FYJC के बुक कीपिंग का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 6। तो पार्ट 5 तक हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था, जिसके अंदर हमने लास्ट टॉपिक किया था कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी के बारे में। आज हम पेज नंबर 12 और 13 को कवर करेंगे। तो आई होप सभी लोगों के पास टेक्स्ट बुक होगी। टेक्स्ट बुक को ओपन रखना, सिर्फ पूरी थ्योरी को ध्यान से सुनना, आपको हर एक कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 12 के फर्स्ट पॉइंट से, जिसका नाम है बिजनेस एंटिटी। अब जैसे मैं बिजनेस एंटिटी की बात करूं, तो मैंने आप लोगों को ये चीज़ पहले भी बता दिया है कि बिजनेस एंटिटी और बिजनेसमैन, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। क्या देख लेते, थियरी लिखी हुई है उसके अंदर। कॉन्सेप्ट इम्प्लाइज दैट बिजनेस यूनिट इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम ओनर एंड ओनर्स। कभी भी जो बिजनेस होता है वो बिजनेसमैन से अलग होता है। पर्सन हु सप्लाई अ कैपिटल टू इट बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट अकाउंट है प्रिपेयर फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, नॉट फ्रॉम द ओनर पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप समझ में आया होगा क्या बोला गया है, कि जब भी अकाउंट की बुक लिखी जाती है तो ये अकाउंट की बुक कहीं ना कहीं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी जाती है, न कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी जाती है। पॉइंट ऑफ व्यू, हैंस द बिजनेस इज लाइबल टू ओनर फॉर द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम और हर। इसलिए बिजनेस हमेशा लाइबल होता है, बिजनेस के ऊपर एक कर्ज होता है कि ओनर ने जो कैपिटल बिजनेस में डाला है, कैपिटल मतलब क्या होता है, बिजनेस में डाला गया पहला पैसा, जो कैपिटल बिजनेस में डाला है उस चीज को वापस से पे बैक करे, रिटर्न करे, वो उसके ऊपर कर्ज होता है। इसलिए लाइबिलिटी साइड में हमेशा कैपिटल आता है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑनली अ बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ द ओनर इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। ओके, इफ यू विल टॉक अबाउट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, दे विल ओनली रिकॉर्ड अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, नॉट अ पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ द ओनर ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस के ओनर के पर्सनल ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड वो लोग नहीं करते। एग्जाम्पल, हाफ ऑफ अ बिल्डिंग इज यूज फॉर बिजनेस पर्पज एंड हाफ ऑफ अ बिल्डिंग इज यूज फॉर रेसिडेंशियल पर्पज। तो आधी बिल्डिंग का अकाउंटिंग होगा, लेकिन आधे बिल्डिंग का अकाउंटिंग उस बुक में नहीं आएगा। तो आई होप सभी लोगों को समझ में आया होगा। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, मनी मेजरमेंट। कॉन्सेप्ट इम्प्लाइज दैट ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच कैन बी एक्सप्रेस इन अ टर्म ऑफ मनी। उसी ट्रांजेक्शन को कभी भी बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा जो ट्रांजेक्शन मनी से रिलेटेड होगा, वो मतलब उसका कोई ना कोई मॉनिटरी वैल्यू होना जरूरी हो जाता है। सिंस मनी सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एक्सप्रेस मनी रिकॉर्डेड एंड रूलिंग करेंसी ऑफ अ कंट्री इज मेजरिंग यूनिट ऑफ अकाउंटेंसी। इसलिए अकाउंट का कोई भी ट्रांजेक्शन लिखा जाता है तो कहीं ना कहीं पैसे जो होते हैं, पैसे का कोई ना कोई वैल्यू होता है, जो आपका रूलिंग करेंसी होता है, जैसे हमारे देश में रुपया है, उस चीज़ के अंदर अकाउंटेंसी को लिखा जाता है। ट्रांजेक्शन फॉर विच डू नॉट इन्वॉल्व द मनी आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जब किसी भी तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स नहीं होते, बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स नहीं होते हैं, तो उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। सॉरी, लाइट बंद हो गई थी। जब बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर किसी भी तरह का मनी ट्रांजेक्शन नहीं होगा तो उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। मनी ट्रांजेक्शन होगा तभी उस चीज़ को रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर कहीं पे बार्टर सिस्टम वाला सिस्टम आता है तो उस चीज़ को लोग वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या है, अन असेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ द हिस्टोरिकल कॉस्ट, दैट इज एक्विजिशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी बेस्ड ऑन फर्दर अकाउंटिंग। किस अमाउंट पे असेट को अक्वायर किया गया है उसे एक्विजिशन कॉस्ट बोलते हैं, और वही कॉस्ट उठा के आप अकाउंटिंग में लिखोगे किस कॉस्ट पे आपने असेट को बाय किया है, इसको बोलते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इट इज रिकॉर्डेड एट अ कॉस्ट टाइम ऑफ द परचेस, जिस टाइम खरीदते हैं उस टाइम पे क्या कॉस्ट होता है वही चीज को वो लोग वहां पे बाय करते हैं। जैसे मैं बोलूँ तो अगर फर्नीचर इज परचेस ऑफ 3 लाख रुपीज, सेम कॉस्ट हैज बीन रिकॉर्डेड इन अ बुक्स, इन केस मार्केट वैल्यू गोज ऑन 1 लाख और 150, इट विल नॉट बी कंसीडर्ड। कोई फर्नीचर आपने 3 लाख रुपए का खरीदा है, उसका भाव गिर के 1 लाख 1.5 लाख हो गया, उससे फर्क नहीं पड़ता, उसका ट्रांजेक्शन
3 लाख ही कॉस्ट में लाइक अकाउंट के ट्रांजेक्शन में आएगा। आई होप सभी को समझा होगा। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या होता है? जब भी आप अकाउंटिंग करते हो तो आपको लगातार वो चीज़ को करनी है, यानी यू शुड बी वेरी कंसिस्टेंट वाइल रिकॉर्डिंग और ट्रांजेक्शन इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट। जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी चीज़ ट्रांजेक्ट करते हो तो उसको आप प्रॉपरली कंसिस्टेंसी से आपको चीज़ को करनी चाहिए। एनी पॉलिसी अडॉप्टेड फॉर अकाउंटिंग शुड बी कंटिन्यूअस और कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल लगातार वो चीज़ चलते रहनी चाहिए। However, it does not stop any improvement in a new technique. जब भी कोई नया टेक्निक निकल के आए उस चीज़ को वो लोग स्टॉप नहीं करना है, उसको लेके हमेशा चलते रहना है। आगे कन्वर्टिज्म। What is कन्वर्टिज्म? किस तरह से आप कन्वर्ट करते हो? वाइल रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन वी हैव टू एंटिसिपेट इन अ नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड ऑल पॉसिबल लॉसेस। आप ज़्यादातर लॉस के लिए रेडी रहो, हमेशा प्रॉफिट के लिए रेडी मत रहो इन केस ऑफ अकाउंटेंसी। ये आपका फिफ्थ टर्मिनोलॉजी है। इट एनकरेजेज द सर्टेन सीक्रेट रिवर्स बाय मेकिंग एक्सेस प्रोविजन टू प्रिवेंट लॉसेस। तब आप अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन या फिर अलग अलग स्ट्रेटजी बनाओगे ताकि आपका लॉस ना हो सके। द इनकम स्टेटमेंट में भी शो लोअर इनकम एंड बैलेंस शीट ओवर स्टेट द लाइबिलिटी। इनकम स्टेटमेंट क्या करते हैं? आपको लोअर दिखा देगा कि आपका अरे प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हुआ है, कभी कभी दिखा देगा कि ओवर स्टेटमेंट दिखा देगा। तो आपको हमेशा अपने लॉस को लेके चलना है, प्रॉफिट को लेके नहीं चलना है, हमेशा रेडी रहना है कि हो सकता है लॉस हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक इन ए फैक्ट्री इज वैल्यूड 25,000 एट अ कॉस्ट प्राइस 35,000 एट इट मार्केट प्राइस बट वाइल रिकॉर्डिंग यू विल रिकॉर्ड ओनली 25,000। जैसे कॉस्ट प्राइस किसी चीज़ का 25,000 है लेकिन मार्केट प्राइस 35,000 है, लेकिन जब आप रिकॉर्ड करते हो चीज़ों को तो उस समय आप क्या करो 25,000 रिकॉर्ड करोगे। सिक्स है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न यानी हमेशा लगातार चलने वाली चीज। इट इज़ अ बेसिक अजम्पशन दैट बिजनेस इज गोइंग कंसर्न वाइल कंटिन्यूअस इज ऑपरेशन फॉर द फ्यूचर। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इन्फ्लुएंस द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस इन रिलेशन टू वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज। एसेट एंड लाइबिलिटीज का जो वैल्यूएशन होता है वो आपका गोइंग कंसर्न होना चाहिए, यानी वो कंटिन्यूस चीजें चलनी चाहिए। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट, किस तरह से एसेट का वैल्यू कम होता है, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट। ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग मतलब बाद में होने वाला खर्चा, प्रीपेड मतलब पहले जो एक्सपेंस पहले आपने कर दिए। एक्यूड और अनअर्नड रेवेन्यू, कमाया हुआ या तो ना कमाया हुआ पैसा। फॉर एग्जाम्पल एसेट आर जनरली वैल्यूड एट द हिस्टोरिकल कॉस्ट। एसेट जो होता है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे कैलकुलेट होता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी पहले किस प्राइस पे आपने खरीदा था उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। सेवेंथ है रियलाइजेशन। व्हाट इज रियलाइजेशन? इनकम इज रिकॉर्डेड ओनली व्हेन इट इज रियलाइज, आइदर इट इज रिसीव्ड और अर्नड। रेवेन्यूज आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन सेल्स आर अफेक्टेड और सर्विसेज आर रेंडर्ड। रियलाइज मतलब जो ट्रांजेक्शन एक्चुअल में हो चुका है, जो पैसा आपने एक्चुअल में कमाया है और एक्चुअल में गवाया है, वही ट्रांजेक्शन आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। रेवेन्यू आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन सेल आर अफेक्टेड। रेवेन्यू को आप तभी रिकॉर्ड करोगे जब सेल हो गया रहेगा। आइदर इट इज़ रिसीव्ड और अर्न, या तो आप कमा लो या आप रिसीव कर लो। कंसिडर एज ए रिकॉग्नाइज When sales are affected during the accounting period, irrespective of the fact that whether cash is received or not. बहुत बार ऐसे भी होता है कि आपका accounting year में कोई transaction हुआ और पैसे नहीं मिले तब भी उसका recording आएगा। Example क्या लिखा है? Company get a order of sale 1 lakh, 1 लाख रुपये का order मिला। कब मिला? 2017 मई में मिला। 60,000 का goods आपने बेच दिया। कब? जून में, मतलब मई को order मिला 1 लाख का, 60,000 का आपने 17 जून को आपने बेच दिया। आपको 60,000 रुपये मिल गया सितंबर में 2017 में। एज पर द प्रिंसिपल ऑफ रियलाइजेशन सेल इज टू बी रिकॉर्डेड इन जून 2017। सेल हम 2017 में ही रिकॉर्ड कर देंगे, वो भी जून के महीने में, ना कि सितंबर में जब आपको पैसे मिले तब। आई होप सभी लोगों को समझ में आया होगा। एक्यूरल पे जाते हैं। व्हाट इज एक्यूरल? इनकम इज रिकॉर्डेड। क्या बोला? इनकम इज रिकॉर्डेड। इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज accrued। accrued मतलब अर्नड होता है, लिख लो सो वहाँ पे लिखा है अर्नड। एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर accrued, बिकम अ पेबल।
जब हम कमा लें या तो हमें कोई चीज़ भरना है फ्यूचर में तब हम लोग उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऑल एक्सपेंसेज एंड रेवेन्यू रिलेटेड टू अकाउंटिंग पीरियड आर टू बी कंसिडर इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट रेवेन्यू आर रिसीव्ड इन कैश और नॉट, एक्सपेंसेस आर पेड इन कैश और नॉट। रेवेन्यू मिला कि नहीं मिला, एक्सपेंसेस मिला कि नहीं मिला, हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। कंपनी ने 100,000 रुपये इन्वेस्ट किया बैंक में एक साल के लिए 1 अक्टूबर 2015 को, बैंक को इंटरेस्ट 10% देना होगा जो कि 30 सितंबर 2016 को मैच्योर हो जाएगी। ड्यूअल एक्सपेक्ट, ये एक इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है, ध्यान से सुनना। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी ट्रांजेक्शन और इवेंट हैज अ टू एक्सपेक्ट। हमेशा डेबिट एंड क्रेडिट वाली चीज़ें तो बिजनेस में होती है, लेन देन चीज़ें वाली चलती है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अक्षय स्टार्ट अ बिजनेस विथ कैश 5 लाख ऑन अ हैंड एंड बिजनेस गेट अ कैश ऑफ 5 लाख एन अदर हैंड लाइबिलिटी अराइजेज इन बिजनेस टू पे अक्षय सम ऑफ 5 लाख। 5 लाख रुपया लेके अक्षय ने बिजनेस को स्टार्ट किया तो ये बिजनेस के ऊपर कर्ज आ गया 5 लाख का कि बिजनेस फ्यूचर में 5 लाख रुपया अक्षय को पे करेगा, इसलिए वो किस में चला जाएगा, लाइबिलिटी में चला जाएगा। दिस इज अ कॉन्सेप्ट विच रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट एवरी डेबिट देर इज करस्पॉन्डिंग एन इक्वल क्रेडिट। यही चीज़ तो हमें दिखाता है कि हर एक अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन के अंदर हर क्रेडिट के साथ कहीं ना कहीं डेबिट रहेगा और हर डेबिट के साथ कहीं ना कहीं क्रेडिट आएगा, दोनों साथ में होते हैं। दिस बेसिस ऑफ एंट्री सिस्टम इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। पढ़ेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, सारी चीज़ों को देखेंगे अगले टॉपिक में। 10th है डिस्क्लोजर। व्हाट इज डिस्क्लोजर? एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड टू डिस्क्लोज देयर अकाउंटिंग स्टेटमेंट इन द फ्रंट ऑफ वेरियस अथॉरिटी एंड शेयर होल्डर्स। अलग अलग शेयर होल्डर के पास, अलग अलग बिजनेस अथॉरिटीज के पास, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के पास आपको अपने अकाउंट को खोल के पूरा रखना है, आपको डिस्क्लोज करना है, क्योंकि कुछ लोगों ने आपके कंपनी में पैसा लगाया है, उनका हक है आपके कंपनी के बारे में जानने का। अकाउंटिंग रिपोर्ट्स टू डिस्क्लोज द फुल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल पोजीशन दिखता है आपका, परफॉर्मेंस दिखता है, आपकी ऑनेस्टी दिखती है, क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन किस चीज़ से दिखता है आपका, मैंने फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट बताया था जिसके अंदर एसेट लायबिलिटी था, वही चीज़ तो दिखाया दिखाता है कि आपने कितना कमाया और कितना गंवाया पूरे साल में, जिससे लोगों का ट्रस्ट बनेगा आपके कंपनी के ऊपर। जो डिस्क्लोजर मतलब अकाउंट को खोल के सामने वालों को दिखा देना। 11th है मटेरियलिटी। मटेरियलिटी क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल आइटम विच माइट बी इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूजर इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जितने भी मटेरियल आइटम के ट्रांजेक्शन है सारी की सारी चीज़ों को आपको खोल के रख देना है सामने, ताकि ये चीज़ डिसीजन मेकिंग में काफ़ी हेल्पफुल हो जाए, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग जो भी लिया जाता है। हैंस एनी आइटम विच इज़ नॉट सिग्निफिकेंट एंड नॉट रिलेवेंट टू यूज़र डिड नॉट टू डिस्क्लोज। अब हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो रिलेवेंट ना हो लोगों के लिए, वो चीज़ आपको खोल के दिखाना है क्या? नहीं, वो चीज़ आप खोल के नहीं दिखाओगे, लेकिन जो चीज़ें रिलेवेंट है वो आपको दिखानी पड़ेगी, यानी आपको पर्सनल चीज़ें उसमें कुछ इन्वॉल्व नहीं करनी है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिस प्रिंसिपल इज बेसिकली एन एक्सेप्शन टू द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ये जो प्रिंसिपल है और जो हम लोगों ने डिस्क्लोजर वाली चीज़ें 10th पॉइंट में पढ़ा, ये उसका एक्सेप्शन है, यानी आपको डिस्क्लोजर तो करना है लेकिन पूरी तरह से नहीं करना है, जो चीज़ें आपको सुटेबल लगे वही चीज़ें आप ओपन करके दिखाओगे, सारी चीज़ों को नहीं दिखाओगे। आई होप सभी लोगों को पूरा का पूरा 11th पॉइंट समझ में आया होगा। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर आपके लाइफ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप 12th में अकाउंटेंसी करोगे, ये सारे वर्ड्स उसके अंदर आएंगे और आपको सारे का मीनिंग पता होना चाहिए। जिसको अपना फ्यूचर अकाउंटेंसी में आगे लेके जाना है, आगे जाके ये सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, ये कॉन्सेप्ट को अभी से आप समझ के पढ़ के रखोगे तो चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए हो जाएंगी। तो आई होप सभी लोगों को ये पर्टिकुलर लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम न्यू चैप्टर के साथ आएंगे, क्योंकि इसके अंदर आपका ये पूरा का पूरा 11 कॉन्सेप्ट मैंने कवर कर लिया है। इसमें एक और कॉन्सेप्ट आपको दिया है, मैचिंग कॉन्सेप्ट, जो कि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आई होप सभी लोगों को पूरा का पूरा 11 कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद में आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा, तब मैं इस चीज़ को कवर कर लूँगा। अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको आता है, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, 2, 3, 4, 6 करके है,
हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कोई ना कोई चीज़ बोली जाती है। जैसे सेकंड की बात करें तो इन्वेंट्रीज के ऊपर है, क्या चीज़ आप जमा करके रखते हो उसकी अकाउंटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में होती है। तो ऐसे आप इसको पढ़ के समझ सकते हो आसानी से कहाँ पर डेप्रिसिएशन की बात की गई है, कहाँ पर कैश फ्लो की बात की गई है, कहाँ पे रेवेन्यू रिकॉग्निशन की बात की गई है। तो अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अलग अलग चीज़ों की बात की गई है, आप आराम से उसे खुद से पढ़ सकते हो, वो समझने वाली चीज़ नहीं है, बस पढ़ने वाली चीज़ है। तो अभी के इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे, अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ आएंगे। नया चैप्टर आपका है मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम। मैंने आप लोगों को बताया डबल एंट्री मतलब क्या होता है, डेबिट एंड क्रेडिट दोनों की बात होगी। तो अभी की वीडियो में यहीं तक रखेंगे, अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ आएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अभी के वीडियो में बस यहीं तक रखता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी एट होम।